ये बार तो खुला ही लगा है मतई ब्लास्ट लगा है लास्ट की मतई रखा है 5 6 7 लगाओ दूसरे पर लगाओ 2000 3 करो बस दो पीस कर ले 2000 3 4 हो गया 7 हो गए 7 हो गए फिर आपको नाम पे लगा 8 हो गया एक ज्यादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फात खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज 12 रबी अव्वल की रात है, मतलब 11 रबी अव्वल की रात है, चांद रात जिसे बोलते हैं, और कल 12 रबी अव्वल है। तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। मेरी तरफ से आपको 12 रबी अव्वल मुबारक हो। और आज मैं आपको सारा सियालकोट दिखाऊँगा, सारी पहाड़ियाँ दिखाऊँगा, जो जो एक्टिविटी हम करेंगे इंशाल्लाह आपको भी साथ दिखाऊँगा। चलो चलते हैं भाई। वेलकम करते हैं अपने ब्लॉग में मुजम्मिल को और ये अली हसन को। सलाम करो भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। अरे आने तो तू की भी पीना पे आए। अस्सलाम वालेकुम। ये के जिन भूत भी आए हैं, ये सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं गली में। ये देखिए हमारी गली कितनी प्यारी सजी हुई है, आपको आज अपनी सारी गली दिखाएंगे। पहले मैं अपना होम टाउन दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह फिर अपन चलेंगे बाजार। क्यों अली भाई? पर आप तो नहीं जाओगे, आप छोटे, आप घर ही रहोगे, मुजम्मिल में जाएंगे बस। ये देखे भाई हमारा माशाल्लाह रामगढ़ कितना खूबसूरत सजा हुआ है, कितनी रौनकें लगी हुई हैं, सामने कवालियां लगी हुई हैं। है आप कहाँ घूम रहे हो हैं? चलो जी ये देखें, ये माशाल्लाह हमारी दूसरी गली है। ये देखें कितना खूबसूरत सजाया है इन्होंने। आसिफ क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का करम ठीक ठाक। ये मेरा दोस्त है अहमद, उसने सजाया हुआ सारा कुछ, उसने बनाया है सब कुछ, उसकी कारस्तानी है। ये देखें कितना खूबसूरत झूला लगा हुआ है। ये देखें मस्जिद नबी बनाई इन्होंने, सारा हरा में। ये देखें मस्जिद नबी भी है, ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनाई है, ये छतरियाँ लगी हुई हैं। ये देखें कितना खूबसूरत ब्रिज बनाया भाई ने, ये देखें पूरा पुराने जमाने का माहौल बनाया हुआ इन्होंने। ये देखें स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है, वो सामने बिल्डिंग है, पुराने घर बने हुए। ये चेरी चल रही है, वो देखें यार क्या खूब कमाल इसका जहन। चेक करें भाई का, अहमद का, जिसने मेरी कटिंग की थी ना, अहमद को आप जानते ही होंगे, मेरे व्लॉग में आया था, उसने मेरी कटिंग की थी, ये उसकी कारस्तानी है सारी। अरे मूसा भी आया वे, मूसा की भी खाना है, हैं की भी खाना है। क्या देखने आयो? गलियां देखने। अच्छी सजाई हुई है ना। ये भाई इसका भतीजा है मुजम्मिल का। हम मजार है क्या तुमसे कहूं। ये देखें भाई, ये जुहैब मेरा दोस्त है, ये उसकी गली है, और उन्होंने देखे कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। ये भी बड़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह हर साल। भैया प्यारी सजाई है ना, मजा आ रहा है। ये भाई देखें कितनी मेहनत की हुई है भाई ने, कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके बताइएगा इंशाल्लाह मुझे जरूर कि कैसा लगा आपको ये।
ये भाई उमेर भाई हैं, इनकी गली थी जो मैंने अभी दिखाई है ना, इनकी मेहनत है। मुजम्मिल भाई मजा आया फिर गलियों का टूर करके? और अली भाई आपको यार अहमद भाई ने जो पहाड़ियाँ बनाई है ना बहुत मेहनत की है इस लड़के ने। अहमद भाई हम आपको सलूट पेश करते हैं यार, आपने वाकई कमाल मेहनत की है, बड़ा ही मजा आया आपकी ये सारी कारस्तानी देख के। मैं आपको ढूंढने गया था घर पे, आप थे ही नहीं, आप पता नहीं कहाँ गए हुए हो। तो चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और मैं आपको अपने ब्लॉग में लेके आऊँगा और आपको शो करवाऊँगा कि सब सब्सक्राइबर को कि ये लड़का था जिसने ये मेहनत की हुई है, ठीक है ना। मैं दिखाऊँगा आपको। मूसा मज़ा आया कि नहीं आया? सही मज़ा आया है। और पापा किधर हैं आपकी? बाहर कहाँ कवाली सुनने गए हुए? सऊदीया से आके कवाली सुनने चले गए? मैच देखने गए हैं भाई। कौन सा? इंडिया पाकिस्तान का। वो कहाँ ख्वाबों में लगा हुआ है? कोलकाता में गए हैं। कोलकाता है? कलकत्ता चले गए? ओ तुम्हें झूठ बोल रहा है, झूठ बोल दे। हां मैं कलकत्ता गया, उन्होंने टिकट नहीं देते फिर। हां वो कहंदे ने काला वेस्ट इंडीज दा लगदा नहीं साडे। छोड़ गया फिर अपने भाई की बेइज्जती करी जा रहा है। ओ कल मैं टीम मैनू पिछले आ लगा, कहंदा मेनू ना ले आई, मेनू बड़ी एलर्जी आ। उन गोली खवा लेनी पहले, ओदी एलर्जी दी गोली खवावांगे, तुहानू खवावांगे धीमा। हमने आपको अपना होम टाउन तो दिखा दिया है और जो जो कारस्तानें यहाँ पे हुई हैं सारा कुछ आपको दिखा दिया। अब हम जा रहे हैं बाज़ार, वहाँ पे जाके जितना भी सजावट हुआ हुआ है बाज़ार तो सारा वो आपके साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे, घुमाएंगे, कवालियाँ हो रही होंगी, मोटे को नचाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। माशाल्लाह हमारा सियालकोट के साथ जगमग कर रहा है और हलवा पूरी लगी हुई है यहाँ पे, सामने लाइनें बनी हुई है। अभी मैं मुजम्मिल का भी भेजूंगा, मुजम्मिल हलवा पूरी लेके आनी है यार आज लाजमी, सही है? भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, हलवा पूरी खा के फिर तो दिमाग की बत्ती जलेगी। ये देखें कितना खूबसूरत सजाया हुआ है, ये बॉल चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें। हाँ जी सर, व्लॉगिंग हो रही है, व्लॉगिंग भाई बात कर, सब्सक्राइब करना ठीक है। ये भी आ गया, आ जाओ भाई आ जाओ। ये देखें कितना खूबसूरत सजा हुआ है माशाल्लाह से। हेलो आ भी जी, हर जगह ही लंगर भाई, हर जगह ही। मुजम्मिल इधर भी हलवा पूरी है भाई, थोड़ी कवरेज दिखा दें क्या? ये देखें इधर भी हलवा पूरी बट रही है हर जगह जगह। ये देखें भाई पूरा बुफे सिस्टम लगा हुआ है, कोई भी कहीं भी कुछ भी खा सकता है। आपको खाना कावा दिखाते हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत बनाया इन्होंने, तो आपको मैं ज़रा दीदार करवाता हूँ। ये देखें ये देखें कितना खूबसूरत खाना कावा बनाया इन्होंने, ये मुकाम इब्राहिम और ये हज़रत पाक सल्लम जहाँ पे खुतबा देते थे ना मस्जिद नबवी में, उन्होंने वाला मिंबर बनाया हुआ। ये देखें भाई कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। मज़ा आ रहा है ना, देखें रश कितना लगा हुआ है, पैदल गुजरने की भी जगह नहीं मिल रही। देखें कितना मज़ा आ रहा है, पूरा सियालकोट जगमग कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई शहर सजता होगा जैसे सियालकोट वाले मेहनत करते हैं ना।
बिल्डिंगे तक बिल्डिंगे तक सजाई हुई है इन्होंने। ये देखे हर घर में लाइटिंग हुई है माशाल्लाह से, कितना खूबसूरत लग रहा है। भैया ब्लॉगर जी सर, क्या नाम है? फहद खान। ओए मुजम्मिल यार, इसने तो अंत ही कर दिया है। ये देखे कितना खूबसूरत लग रहा है, जगमग हो रहा है पूरा सिटी। देखने वालों को भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। ये देखें, ये हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मैं चाय पी रहा था ना दो दिन पहले। हमने कहा था आपको व्यू दिखाऊंगा मैं, बेरी वाला चौक आगे सामने। तो अभी मैं आपको जरा व्यू चेक करवाता हूँ वहाँ पे जाके, इतना खूबसूरत सजाया हुआ इन्होंने। जब तक हमारा व्लॉग आएगा तब तक दुनिया कहेगी हम कहाँ चले। ऐसी बात ही ना, बहुत मज़ा आ रहा है भाई मुझे तो। हम हलवा पूरी लेने के लिए लाइन में लगे थे लेकिन हमें मिली नहीं, इतना रश था। भूखे ही आगे जा रहे हैं, देखें नसीब में होगा तो कुछ खा के जाएंगे एसोसिएट डिस्काउंट के साथ। ये सामने में चाय पी रहा था ना उस दिन, ये सामने आपको शॉप नज़र आ गई होगी ये वाली। इधर में खड़ा हुआ चाय पी रहा था, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊँगा जब ये सजावट होगी। देखें ये पहचाना नहीं जा रही जगह की, वही जगह है ये देखें। माशाल्लाह हर गली सजी हुई है और हर जगह टैग लगाए हुए इन्होंने, कवालियाँ चल रही है। मेरी आवाज़ पता नहीं आपको आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, बहुत शोर हुआ भाई यार। दो कदम आगे जाते हैं फिर कोई बफर लगा होता है, आगे पीछे होगी नहीं भाई हो रही। ये देखें भाई यहाँ पे खजूर तकसीम हो रही है। थैंक यू। ये देखें भाई ये देखें भाई ने कितनी सारी खजूर दी मुझे यार। फिर चेक कर रहे हैं ना, ये देखें कितना गोश्त बट रहा है। ये यहाँ पे रौनक लगी हुई है भाई। क्या मिल रहा है ये? नान और सालन कौन सा है? सियालकोट में माशाल्लाह कितना लंगर तकसीम होता है, रश चेक करें। लो भाई मुजम्मिल की बात कर चल गई है, अब हमें सालन मिल जाएगा आराम से। ये मुजम्मिल की भाई वाकई चेक करें भाई, मुजम्मिल वाकई यार तेरे अंदर कोई है खुसूसियात। इन्होंने बीफ का सालन बनाया हुआ देख वाला और साथ नान है। मुजम्मिल मज़ा कैसा है यार? रश देखो सबसे पहले ले लिया। मैंने दिखाया है कि मुजम्मिल की कितनी वाकियात है और जगह दोस्त रखे हैं। रश देखें कितना है और हमें सबसे पहले मिला है, ये देख रहे हैं आप। कितना मिलेगा? 50 के दो दाना मिलेगा, उसका 5-6-7-20 होगा, 500 चलते जाइए। खैर बाजा खैर ए परार तो वाला तो वो तो खैर तो करना क्या है पीस करने हैं। ए बार पे खफला लगा मत ही ब्लास्ट लगा की मत ही रखो। 5-6-7 लगाओ, दूसरे पे लगाओ, 2-3 करो, बस दो पीस कर ले। 2-3 चार हो गया, इतना 7 हो गए। कैसे 7 करेगा फिर मिलेगा। एक और दे दे, 7 करेगा। कितने का सीधा 50 का 2 150 50 की दो चूड़ियाँ भाई मिल रही हैं यहाँ पे और उसके 7 पीस करने। अगर ज्यादा हो जाएंगे फिर भी नाम नहीं मिलेगा, 7 होंगे तब भी नाम मिलेगा, कम होंगे तब भी नहीं मिलेगा। 5-6-7 पकड़ जाएगा।
चलो जी बाबा फिर आठ हो गया पाँच छह सात लाला ऐसे बेईमानी भी हो सकती है। आप इसको पकड़ाओ ना, आप अपने तरीके से पकड़ के रखते हो वो भी तोड़ता है। आप पकड़ो ना मेरा बेटा। हाँ तो उसको पकड़ाओ ना जो तोड़ रहा है। नहीं मैं क्यों कर रहा जी नहीं मेरे तो बहुत सियाणा नहीं दो सौ रुपए फिजूल में तोड़ने का दे दिया भाई। क्या खेल रहे हो सब यार, सब मोबाइल में लगे हुए, देखो सब मोबाइल में लगे हुए। क्या खेल रहे हो? पबजी चल रही है जी जी। चना चाट मिल रही है। ये अब हम आए हैं अपने सियालकोट में कैंट में, और यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना, तो आप ही नसीब वाले जो इंशाल्लाह देखेंगे। मैं जा रहा हूँ आप सबको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें दिखाने के लिए, उनकी नालैन पाक और उनके बाल गैसू खाना काबा का खिलाफ, और हज़रत पाक सल्लम के रोज़े का कलर, और हज़रत इमाम हसन हुसैन के बाल भी हैं, उनका भी उनके भी नालैन पाक हैं, और उनके कपड़े हर चीज़ आपको मैं जाके ना दिखाता हूँ, आप भी देखेंगे।
रातों तक ही आ गया। पता नहीं उठे क्या आ गया, कछुए मछुए दसा दसा ट्रक भी अंदर ही नहीं। मतलब मैं पैसे ना चुकी गए सासा चलते जाए यार, मेहरबानी है बच्चो आज आज यार ये भाई सोने से और चांदी के वर्क से ये माशाल्लाह बनाया गया है, ये नालैन पाक कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये मुकम्मल लिखा हुआ है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत बनाया है खाना काबा मदीना, एक से एक चीज माशाल्लाह इन्होंने सजाई हुई आते हैं। जमीन अच्छा बनाया है ना सब कुछ यार, हर साल ये ऐसे होता है बार भाई, आपको नहीं पता सियालकोट में हर साल माशाल्लाह अच्छे से अच्छा करके दिखाते हैं ये बारह नबी लवर, बहुत खर्चा करते हैं बहुत चीज़ें बनाते हैं ये माशाल्लाह से, और इतना प्यारा शहर हमारा सजाते हैं ना हर साल। वाली कितना हो रही है देखे माशाल्लाह देखे बन रही है अगर किसने खाना खाना के बिल्कुल खा रहे हैं जी कर रहे हैं। चल भाई ठीक हो, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ये लंगर खिला रहे हैं आप, मिलाद जो है ये पिछले तकरीबन 135 साल से जी जी इस जगह पे करवा रहे हैं, और हमारा ये लंगर जो है वो सुबह फजर टाइम शुरू होता है और नेक्स्ट डे फजर तक जो चलता रहता है, हलवा नान से जो उसमें शुरू होता है, उसके बाद दोपहर में जो है वो होता है ये आलू गोश्त और रोटी साथ चावल, उसके बाद गुड़ वाले चावल जो बांटे जाते हैं, फिर खीर और फिर जो बांटी जाती है, उसके बाद उत्साह के बाद से लेके नेक्स्ट डे फजर तक जो लंगर चलता रहता है। और अल्लाह आपके काम में बरकत डाले यार, और मजीद आपको इसी तरह तरक्की दे अल्लाह, बड़ी मेहरबानी भाई यार। अंदर बिठा के खिलाते हैं आप, सही ये देखें भाई ये माशाल्लाह सुबह से लेके नेक्स्ट सुबह तक ये सारा लंगर चलता है, भाई ने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है।